अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां शेफ फैसल तानी सोपिया कुकिंग शो में तो सब खैरियत से होंदा। मज़ेदार रेसिपीज तानी फरमाइशन के मुताबिक भी ठाऊँ पाया आई जो इवेंट्स अचन था का अड़ा डी अचन था को मौसम के हिसाब से खादा वो भी ठाई सकता पे। मोहरम हल पे तो हाँ मैं हलीम ठाई सकता। असल नालो है जो दलीम अस चाहता हूँ हलीम, काफ़ी मूँ दलीम भी चाहता है, काफ़ी मूँ हलीम भी चाहता है। तो मां जो ठाया पे इनकी क्वान्टिटी होंगी एक का डेढ़ किलो तैयार थियल, ठीक है, डेढ़ किलो ती तैयार थी। लेकिन गोश्त की क्वांटिटी, दालू की क्वांटिटी वो सब तक मेजरमेंट कर बुधाईदम केतरी केतरी दाल केतरो गोश्त इनमें खपे। बिल्कुल आसान तरीके से घर के मसाल में ठाण सिखा पे हलीम, जैसे ठाणी होंगी उन मेजरमेंट करी तुम डबल कर ठाई सको था, ठीक है। अज सिर्फ एक रेसिपी आ कि ठहदियों दालू कि पिसबियों दाल ये सब सुबाने 9 बजे रिपीट हलन। स्क्रीन से जो नंबर ले पो उन कॉल कर सोता आई व्हाट्सअप नंबर है मुझे 03142675311 उन वॉइस मैसेज या सिर्फ मैसेज कर सकता। एनएक्स असा सा गड़ा एनएक्स में जूसर ब्लेंडर चॉपर हैंड बीटर हैंड मिक्सर माइक्रोवेव ओवन वगैरह सब मार्केट में मिले तो आसानी से तान में कुकिंग कर सकता। आज की जो हम रेसिपी बना रहे हैं हलीम, यानी नाम तो है दलीम लेकिन बहुत से लोग हलीम कहते हैं, तो आज बना रहे हैं हम ये बना रहा हूँ मैं चिकन में। आप बीफ में बना सकती हैं, मटन में बना सकती हैं, ठीक है। और आधा किलो का गोश्त होगा तो इसी तरह 1 से 1.5 पाव के करीब दालें हैं, लेकिन जब ये तैयार होती तो 1.5 किलो 2 किलो के करीब जाके बनती। जब हम यहाँ पे तो गोश्त का हिसाब कर रहे होते हैं लेकिन जब हम लेने जाते हैं तो किलो के हिसाब से हम ले रहे होते हैं या प्लेट के हिसाब से ले रहे होते हैं, तो वो वज़न के हिसाब से देते हैं, ठीक है। 10 किलो की देख बनती है तो उसमें 10 किलो गोश्त नहीं डलता, उसमें गोश्त की क्वांटिटी कम होती है, दालों की क्वांटिटी बैलेंस करके वो 10 किलो की देख तैयार होती है। तो इसी तरह मैं इसमें से जो बना रहा हूँ तो 1.5 से 2 किलो आपकी हलीम आराम से बनेगी, हो सकता है ज़्यादा भी बने। सारे मसाले हम घर के यूज़ कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। हलीम बनाना बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं, सिर्फ दालों को अच्छा ब्लेंड करना होता है, अच्छा घोटना होता है, गोश्त का रेशा अच्छा होना चाहिए, हलीम आपकी बहुत अच्छी रेशे वाली बनेगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हलीम की क्वांटिटी। और एनएक्स है हमारे साथ, एनएक्स में है जूसर ब्लेंडर चॉपर हैंड बीटर हैंड मिक्सर माइक्रोवेव ओवन वगैरह अवेलेबल है, तो आप ले सकती हैं। हलीम के लिए हमने क्या लेना है, यहाँ पर हमारे पास है चिकन 1/2 किलो से 3 पाव जितनी, बीफ भी लेंगी तो 1/2 किलो से 3 पाव जितना। चिकन जल्दी बन जाती है, बीफ में थोड़ा टाइम लगता है। कुकर में प्रेशर देंगी तो 25 से 30 मिनट 25 मिनट 26 मिनट 28 मिनट इस तरह प्रेशर देंगी तो गोश्त बहुत अच्छा गल जाएगा, रेशेदार हो जाएगा। अगर पतीले में बना रही तो 40 से 45 मिनट, गोश्त पर डिपेंड करता है, 1 घंटे तक भी लग सकता है गोश्त गलाने में। चिकन में बनाएंगी तो चिकन 20 मिनट में हो जाएगा क्योंकि हम बोनलेस ले रहे हैं। हड्डी वाले चिकन में भी बना सकती हैं, अगर हड्डी वाला चिकन में आप बना रही हैं तो फिर जब कोरमा बन जाएगा तो हड्डियाँ अलग करके बोटियों का अपने रेशा बना लेना है। बोनलेस चिकन इस्तेमाल क्यों पिया, बगैर हड्डी जी 1/2 किलो का ट्रे पा जितनी खणंदो, ठीक है। आई अगर तुम बीफ या मटन खणो पे तभी भी सागी क्वांटिटी में होंद, बीफ मटन के तुम प्रेशर कुकर यूज़ कर हो तो उनके 1/2 कलाक 40 मिनट 25 मिनट जी तुम हिसाब होंद और कें पाँच हिसाब होंद गोश्त गराने जो प्रेशर कुकर में उन तरीके से ठाई। आई अगर पतीले में गोश्त के गराइण है बगैर हड्डी जो भी खड़ी सोता हड्डी वारों भी खड़ी सोता, ठीक है। अगर हड्डी वारों तो उनकी गोश्त की क्वांटिटी वधी हुए छाकर हड्डी जो वजन कटबो है वो गोश्त असा केतरो खपे। तो गोश्त अगर पतीले में ठाया पे तो 50 मिनट 40 मिनट डिपेंड कर ते गोश्त के मथा कि वो केतरो सुठो आए कि गरंदो। तो इतने अस चिकन जो इस्तेमाल क्यों पाया, इनके लिए अस खी खुलो पतीलो हो वो हो जैमें ती सी रेसिपी तैयार थी, ठीक है। हलीम जी 2-3 पतीला इस्तेमाल करने की जरूरत ना है। दालू अस अलग बॉयल क्यों जो भी तरीको सजो तुझाइंदम। यहाँ पे हमने लेना है ऑयल, अच्छा ऑयल में वो यूज़ कर रहा हूँ जिसमें मैंने प्याज ब्राउन करके निकाला था। तो यहाँ पे 1 कप के करीब हमारे पास ऑयल है, ठीक है, 1 कप के करीब ऑयल है। इसमें आपको प्याज के पीसेस नज़र आ रहे होंगे, छोटे छोटे रह जाते हैं, तो आपने क्या करना है पहले प्याज लेना है। हम ब्राउन प्याज यूज़ करते हैं ना, तो ब्राउन प्याज जब हलीम के लिए हम बनाते हैं तो ये देखिए हमने बना के रखा हुआ है पहले से, टिश्यू पेपर पे बिछा दें, ये क्रिस्पी हो जाता है इस तरह लच्छेदार। प्याज को अच्छा बनाने के लिए, क्रिस्पी बनाने के लिए प्याज को आपने पीस छीलना है, 20 से 2 करना है, फिर बारीक बारीक स्लाइसेस काटने हैं, छोटे स्लाइसेस ना हो, लंबाई में प्याज को बारीक बारीक स्लाइसेस में काटेंगी, उसके बाद आप फ्राई करेंगी तो इस तरह प्याज बनेगा। और अगर आपने छोटे छोटे प्याज के पीसेस करके फ्राई किए तो वो कच्चापन आ जाता है, जितना बारीक कटिंग करेंगी और लंबे साइज़ में प्याज को काटेंगी तो आपका अच्छा बनेगा। 3 बड़े प्याज लिए थे मीडियम साइज़ के, अच्छे बड़े प्याज होने चाहिए, उसको आपने काटा और 2-1.5 कप जितना ऑयल लेके उसमें प्याज को ब्राउन कर दिया, क्योंकि प्याज जब ऑयल हम प्याज को ब्राउन करते हैं तो ऑयल कम हो जाता है,
तो यहाँ एक कप के करीब अब ऑयल रह गया है, तकरीबन सवा कप डेढ़ कप हमारे पास ऑयल था जिसमें हमने तीन बड़े प्याज ब्राउन करके निकाले थे। बसर टे वी गंढ खणंदो विच में ब कंदो छिलण का पो उनके बारीक बारीक लंबाई में कटिंग करणो आ, नंढा पीस न कजो, जेतरो बारीक हुंदो एतरो सुठो, हीअं लच्छेदार ही ज़बरदस्त तव्हांजो बसर गाढ़ो थी वेंदो। कढ़ी रखी छॾिजो ऐं हुन ई ऑयल में हाणे हिते ऑयल जीअं गरम थियो, गोश्त आहे चिकन जो, अगर बीफ या मटन खणो तॾहिं भी साॻे तरीक़े सां ठहंदो। दार चीनी की एक बड़ी स्टिक, दो बड़ी इलायची, तेज़पत्ते में बस थोड़े टूटे हुए तो मैं दो तीन पीस डालूँ, आपने दो बड़े तेज़पत्ते डाल देने, ज़ीरा एक चाय का चम्मच, दार चीनी एक बड़ी स्टिक, ठीक है, उसके बाद आपने दो बड़ी इलायची, ज़ीरा एक चाय का चम्मच और तेज़पत्ता सिर्फ डालना, और कोई गर्म मसाला इसमें एक्स्ट्रा नहीं जाएगा। दार चीनी मिठी काठी वडी एक, तेज़पत्तो वडो एक नंढा इन तब, ज़ीरो एक चाय जो चमचो वडा फोटा ब। ये करने के बाद आपने एक बड़ा प्याज लेना है, ठीक है, या दो मीडियम साइज़ के प्याज, हाफ स्लाइस कटिंग किया हुआ ये प्याज डाल देंगे। ये हम बना रहे हैं हलीम का कोरमा, दलीम का, ठीक है। तो प्याज आपने बारीक कटिंग करके तेज़ आंच पे प्याज को गोल्डन फ्राई करना है। बसर के गाढ़ो कंदासी तेज़ बाहे थे, प्याज यहाँ पे तेज़ आंच पे जब आपका गोल्डन फ्राई होने लगेगा तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन, एक खाने का चम्मच अदरक, एक खाने का चम्मच लहसुन और एक खाने के चम्मच यानी दो अदद हरी मिर्चें, तीनों चीज़ों को बराबर मिला के आपने कूट लेना है या पीस लेना है, ठीक है। ये है हमारे पास हरी मिर्च, कलर ग्रीन आ रहा होगा, दो हरी मिर्चें थी, एक खाने का चम्मच अदरक, एक खाने का चम्मच लहसुन, तीनों चीज़ों को आपने पीस लेना है। बस सावा मिर्च, एक खाइण जो चमचो अदरक, एक खाइण जो चमचो थूम, टई शयूं मिलाईंदो, पाण में बारीक कटिंग करे पीसे छॾिजो या उखरे मोरी में कुटे छॾिजो। जीअं गरम मसाले जो दाग ठहियो, बसर विधा, बसर खे हिते चङो गाढ़ो कंदासीं। प्याज डालने के बाद आपने प्याज को गोल्डन फ्राई करना है, कच्चा नहीं छोड़ना है, वाइट नहीं हो, डार्क से थोड़ा लाइट कलर में गोल्डन फ्राई होगा। अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे, उसके बाद हम इसमें चिकन डालेंगे, तीन पाव आधा किलो चिकन, बीफ या मटन भी है तो आपने तीन पाव से आधा किलो लेना है, ठीक है, जिस क्वांटिटी में बता रहा हूँ। और जब मैं जो मैं बनाऊँगा उसके डबल अगर आपने बनानी है ना हलीम, तो वो फिर आपने एक किलो गोश्त है तो फिर दालों की भी क्वांटिटी आपको बता दूँगा, ठीक है। अच्छी तरह आपने इसको फ्राई करना है, चंगी तरह इनके फ्राई कंदासीं, जब इनजो कलर अचण लगंदो तब पोइ में अदरक विझंदा। अच्छा, इसमें मसाले अब क्या जाने वाले हैं, मसाले आप नोट कर लें, पिसी हुई लाल मिर्च एक चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च एक चाय का चम्मच, सॉरी पिसी हुई लाल मिर्च एक चाय के चम्मच से ज़्यादा जाएगी क्योंकि दालें फीकी होती हैं, तो डेढ़ चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, एक चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर भर के एक चाय का चम्मच, धनिया पाउडर दो खाने के चम्मच, गरम मसाला पाउडर एक चाय का चम्मच, नमक हम डाल रहे हैं इसमें दो चाय के चम्मच। नमक बाद में आप कम ज़्यादा हो तो आप कम हो तो आप ज़्यादा कर सकती हैं, लेकिन पहले ज़्यादा नहीं डालना, दो चाय के चम्मच। कश्मीरी लाल मिर्च से कलर बहुत अच्छा आएगा, कोरमे का अगर है तो ये एक चाय का चम्मच से डेढ़ चाय का चम्मच जाएगा, ठीक है। प्याज को अच्छी तरह हिलाते रहें ताकि इसका कलर अच्छा आना शुरू हो जाए। पिसी लाल मिर्च डेढ़ चाय का चम्मच से दो चाय के चम्मच तक, कुटी हुई लाल मिर्च भर के एक चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर भर के एक चाय का चम्मच, धनिया पाउडर दो खाने के चम्मच, गरम मसाला पाउडर जाएगा एक चाय का चम्मच, नमक दो चाय के चम्मच। कश्मीरी लाल मिर्च से कलर बहुत अच्छा आता है तो डेढ़ चाय का चम्मच। पीठल गाढ़ा मिर्च डेढ़ का बचा चाय जो चमचा, कुटियल गाढ़ा मिर्च एक चाय जो चमचो, हेड एक चाय जो चमचो, भरे भरे विझो, ठीक है, वधिक करे। धाणा पीठल डेढ़ खाइण जा चमचा, गरम मसालो पाउडर एक चाय जो चमचो, लूण ब चाय जो चमचा, आई कश्मीरी गाढ़ा मिर्च या देगी गाढ़ा मिर्च ये विझंदासीं हिन में डेढ़ चाय जो चमचो। अब जैसे आप देखेंगे प्याज हमारा ब्राउन हो गया, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और हरी मिर्च का, ठीक है, इसको हल्का सा मिक्स करेंगे, बस खुशबू आएगी तो इसमें हमने बीफ डाल देना है या मटन या चिकन जो आपके पास है। हम यहाँ पे चिकन में बना रहे हैं तो मैं इसमें चिकन ऐड करूँगा, बस इसमें खुशबू आना शुरू हो गई, जलना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे चिकन की बोटियाँ हैं, अगर हड्डी वाली होगी तो फिर आपने एक किलो चिकन लेनी है क्योंकि इसकी हड्डियाँ निकालने के बाद वो जाके आपके पास तीन पाव 600 ग्राम 700 ग्राम इस तरह गोश्त निकलेगा, ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। हड्डी वारो अगर गोश्त विझो पिया मुर्गी जो तो वधिक विझो, एक किलो जितो हुजण खपे, छाकाणि त हड्डियूं जॾहिं कढंदो पचाइण खां पोइ त गोश्त जो जेको असांजी क्वांटिटी आहे उहो 600 ग्राम खां 750 ग्राम यानी 3 पाव हुजणु खपे। अब इसको मसाले के साथ भुनेंगे, चिकन बॉनलेस जो होती है ना 10 से 12 मिनट में पक जाती है, तैयार हो जाती है, तो इसलिए इसको आपने भून के इसमें मसाले डालने,
वो बीफ और मटन को भी इसी तरह भूनेंगी और उसमें आपने मसाले सारे डाल देने। जो मसाले मैंने आपको बताए थे ये सारे हमारे घर में मौजूद होते हैं, ठीक है। मसाला डाल देंगे, इसी तरह आप भूनेंगी। इसको भूनने के बाद इसमें कलर आना शुरू हो जाएगा मसाले का, ठीक है। टमाटर कभी नहीं जाता हलीम में, कभी टमाटर का इस्तेमाल नहीं होता। और दही का इस्तेमाल करते हैं, बहुत से लोग नहीं भी करते, लेकिन मैं दही का इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि उसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इसमें हमने आधा पाव दही डालना है, ज़्यादा दही नहीं जाएगा, आधा पाव दही इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। अध पाव दही विझंदासीं, इलाही वधीक दही ना विझण खपे, त दही वधीक भी सही ना आए, बस अध पाव काफ़ी हूँ दिया, ठीक है। और अगर एक किलो गोश्त है तो फिर आपने एक कप दही डालना है। अब दही डाल के इसको कोरमे को भूनेंगे 3-4 मिनट तक, ठीक है। ज़्यादा नहीं पकाना है इसको, ज़्यादा नहीं गलाना है क्योंकि चिकन है। इस स्टेज पे आएंगी जब बीफ और मटन आप बना रही हैं, तो फिर आपने क्या करना है, इसमें 1.5 से 2 गिलास पानी डालना है। फिर उसको कवर करके हल्की आंच पे आपने पकने देना है, क्योंकि दही भी अपना पानी छोड़ेगा, गोश्त भी छोड़ेगा, पकता रहेगा। जब बोटी गल जाएगी निकाल के आपने चेक करनी, रेशा बन गया है बीफ या मटन का, उसके बाद आपने ठंडा करके इसका रेशा बनाना है। उसको पीस भी सकती हैं, ग्राइंड चॉपर में भी चला सकती हैं, सारे प्रोसेस आपके अपने हाथ से भी रेशा बना सकती हैं, ठीक है। ये चिकन है तो इसमें हम इतना पानी नहीं डालेंगे, बस आधा कप पानी डालूंगा बोनलेस है। अगर हड्डी वाला चिकन है तो एक कप आप पानी डालेंगे, ठीक है। अब ये देखें इसमें कोरमे का लुक आ रहा है, इसमें हम डालेंगे आधा कप पानी और इसको सिर्फ 5 से 8 मिनट पकने देंगे। अध कप पानी भी दो, इलाही वधीक पानी ना है विझड़ो, ठीक है। अब इसको मैं करूँगा कवर और इसको पकने देंगे 7 से 8 मिनट, क्योंकि बोनलेस से जल्दी हो जाएगी। अब दूसरी तरफ हमने क्या करना है, मैं आपको दिखाऊं दालें। ये दालें यहाँ पे रखते हैं ताकि आप लोग देख सकें कि किस तरह और कितनी क्वांटिटी में दालें तैयार हुई हैं, ठीक है। ये हैं दालें हमारी हलीम की, इसकी क्वांटिटी आपने नोट करनी है, बिल्कुल गल गई हैं। गंदम, जौ, ये सब गला हुआ होना चाहिए, ठीक है। ये कोई चीज़ साबित नहीं होनी चाहिए, नज़र तो आ रही साबित लेकिन ये गली हुई है, ठीक है। अब इसकी क्वांटिटी मैं बताता हूँ कि हमने क्या लिया। एक कप आपने लेना है गंदम, ठीक है, एक कप गंदम, आधा कप जौ, एक कप गंदम, ये मिक्स करवा के ले आएँ। अच्छा, मिक्स दालें भी मिलती हैं तो आपने 1.5 पाव ले लेनी। हलीम की मिक्स दालें ले रहे हैं, खुली मिल रही हैं बनी बनाई, तो 1.5 पाव ले लेंगी इस क्वान्टिटी के हिसाब से, 3 पाव जितना गोश्त है, ठीक है। तो 1.5 पाव दालें हैं, आधा किलो तक भी ले सकती हैं लेकिन बहुत ज़्यादा दालें बढ़ जाएंगी। हाँ, अगर आपके पास गोश्त 1 किलो है तो फिर आप आधा किलो दालें इस्तेमाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, वॉल्यूम बताओ। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, कौन हो, कहाँ से बात कर रहे हैं? दसिर बात कर रहा हूँ, सरगोधा से। सरगोधा से जी, कुछ कहना चाहेंगे? वालेकुम सलाम, टीवी का वॉल्यूम बंद करके आप बात करें, कुछ कहना चाहेंगे? जी जी आ रही है, आप टीवी से दूर हो जाएं, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। जी टीवी का वॉल्यूम बंद किया हुआ है। जी जी कुछ कहना चाहेंगे? जी ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये आप वाइट हांडी बना रहे हैं या हलीम बना रहे हैं? हलीम का कोरमा बना रहा हूँ, अभी हलीम बनाऊंगा, दालों के प्रोसेस में बता रहा था तो आपकी कॉल आ गई। जी आप बहुत अच्छा बना रहे हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है, ये सारा मेन्यू हम नोट कर रहे हैं, तो काइंडली इसको थोड़ा जल्दी बनाएं, फिर आज शाम को हमने ये बनाना भी है। बस मेरे पास तो 1 घंटे का टाइम होता है, 5 बजे तक प्रोग्राम होता है, तो मैं बना रहा हूँ, आप देखें उसके बाद फिर आप बनाएं, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ठीक है, अच्छा ये मैं बता रहा था कि 1 कप गंदम, आधा कप जौ, ठीक है, और आधा कप चने की दाल। 1 कप गंदम, आधा कप जौ, आधा कप चने की दाल, ठीक है, ये आपने ले ली क्वांटिटी में। फिर मसूर की जो बग़ैर छिलके की दाल होती ना, वो आपने 4 खाने के चम्मच लेना है। मूंग की पीली वाली दाल 4 खाने के चम्मच लेना है। चावल आप ले लेंगे 4 खाने के चम्मच और माश की दाल 4 खाने के चम्मच। सब दालों को मिक्स करके आपने धोना है, धोने के बाद भिगो देना है। पूरी रात भिगोती हैं या सुबह से शाम तक भिगो दें अच्छी तरह, जितना अच्छा भीगेगा उतना अच्छा बनेगा। उसके बाद आपने 5 से 6 गिलास ले लें या 7 गिलास लेके आपने इसको बॉयलिंग पे रख देना है। मीडियम फ्लेम पे इसको गलने दें, 1-1.5 घंटा 2 घंटा ये पकेगा, गलता रहेगा। जौ भी गलनी चाहिए, चने की दाल भी गलनी चाहिए, गंदम की गंदम भी गलनी चाहिए, ठीक है।
उसके बाद जब ये गल जाए इसमें इस तरह गाढ़ापन आएगा, ये लिक्विड आप इसका देख रहे हैं ये गाढ़ा हो चुका है, ठीक है। गाढ़ापन आ जाएगा तो ये मदानी जिसको ये घोटना भी कहते हैं, इससे आप ये भी कर सकती हैं, आप मशीन का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, ठीक है, इसको मिक्स करने के लिए। अब बहुत से लोग दानेदार हलीम पसंद करते हैं कि थोड़े थोड़े चंक्स नज़र आने चाहिए गंदम के, तो आप इसको इसी तरह यूज़ करें। और अगर आपने बिल्कुल पतली हलीम मिक्स के बिल्कुल गाढ़ी जो मिक्स हलीम होती है, तो उसको आपने ब्लेंड करना है या घोटने से घोटना है, क्योंकि गैस के भी इशू हैं, टाइमिंग का भी होता है, तो आप फिर मशीन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे चिकन को चेक करते हैं। इसका चूल्हा अब तेज़ करके हमने इसको खुश करना है, क्योंकि बोनलेस है ना, तो इसको जल्दी बनाना है। और अगर आपने बीफ मटन है तो उसको आपने बोटी को चेक करना है, ये हमारी जल्दी हो जाएगी, बस इसका ऑयल ऊपर आएगा, इसका मैं चूल्हा बंद कर दूँगा, ये हमारा हो गया तैयार। अच्छा, इसको आप घोटने से भी कर सकती हैं इस तरह, और इसको आप मिक्स करके ब्लेंड भी कर सकती हैं। तो हम एनएक्स का हमारे पास ग्राइंडर है, उसमें हम इसको चलाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। सलाम कसर भाई, की कनाला बिल्कुल ठीक ठाक कह रहे हैं, कितना गला पे आ मैं तो गाना जुड़े जो कर रहे हैं जे कुछ चैन चाहिए दो जो तेरा पीस मुर्गी याद बताया की फायदा भला पीस असान ठाइन से खारे चढ़िया है ता YouTube ते दिसी वटो उते ताके रेसिपी मिली विंदी कुकिंग विद फैसल सर्च कर दो मैं आप जुड़े जो कर लो जलो सांगर चलो ठीक है पांजो ख्याल रख जो खोड़ करो ठीक है ओके। अभी इसको आपने अच्छी तरह ड्राई करना है कोरमे को ठीक है। ऑयल सेपरेट होगा तो फिर हम ये ले रहे हैं यहाँ पे चॉपर एनेक्स का, और चॉपर नहीं है तो फिर आपने बोटियों को ठंडा करके निकाल के हाथ से बारीक रेशा करके फिर आपने कोरमे में डाल देना, और दालें डाल के फिर इसका प्रोसेस भी बताता हूँ। एक शॉर्ट ब्रेक पे जा रहे हैं, जब तक इसका पानी ड्राई होगा और ऑयल ऊपर आएगा चूल्हा बंद करके मैं इसको चॉपर में आपके सामने चलाऊँगा, लेते हैं शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक ते वञण खां पहिरीं तव्हां साम्हूं जेके कोरमो ठाहियो हो तयारु थी वियो आहे, हीउ चॉपर मां खयो आहे, ठीकु आहे। सॉरी, चॉपर सां गॾु तव्हां हे भी इस्तेमालु करे सघो था, अगरि हीअ मशीन नहीं है आपके पास, आपके पास घर में ये तो ज़रूरु होता है सबके पास, ठीक है। ईज़ी वे में आप इसमें भी ब्लेंड कर सकती हैं, मैं चॉपर में कर रहा हूँ, ठीक है। तो दोनों चीज़ें जो आपके पास अवेलेबल हो आप कर सकते हैं। ॿिन्हिनि मां तव्हां वटि अगरि हे मशीन न आहे चॉपर, त हीउ जूसर मशीन घरनि में मौजूदु हूंदी आहे, हिन में बि ठाही सघो था, बिल्कुलु आसान तरीक़े सां ठही वेंदो, ठीकु आहे। त ॿई ऑप्शन आहिनि तव्हां वटि, अगरि इहो न आहे ॿई शयूं, त पोइ छा कंदो, बूटियूं थधी करे बिल्कुलु बारीक बारीक हथ सां रेशो कंदो, तारूं तारूं ठाही वापसि हिन में मिलाए छॾंदो, पोइ दालूं इनजे अंदरि मिलाईंदो ऐं घोटणो खणी हिनखे, पोइ तव्हांखे चङी तरह घोटणो आहे कलाक ताईं हल्की बाहि ते, ताकि हुनमें हलीम जा जेका दाणा आहिनि इहे सभु मथां दालूं वालूं सभु मिक्स थी वञनि, ठीक है। अगर आपके पास ये चॉपर नहीं है और या जूसर ब्लेंडर नहीं है या लाइट का इशू है आपको परेशानी, तो फिर आपने गोश्त निकाल के ठंडा करके हाथ से बारीक बारीक रेशा बना लें, ठीक है, बिल्कुल बारीक रेशा बना के वो आपने साइड में रख देना है। कोरमा और दालें मिला के फिर आपने मिक्स करना है, घोटना ये मैंने आपको दिखाया है, ये हलीम घोटने वाला होता है, इससे आपने जिस दालों को घोटते हैं इसको घोटते रहें, एक घंटा लगेगा, 40 मिनट लगेंगे, आपकी ज़बरदस्त हलीम बनेगी, साथ फिर वो जो रेशे वाली चिकन हो या बीफ है वो भी डाल देनी। तो यहाँ पे हम मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसमें कोरमा उठाएंगे, दो पोर्शन तीन पोर्शन करके हमने यूज़ करना है, ठीक है। बका टे पोर्शन करे असां हिते यूज़ कंदासीं, एक प्लेट रख लेते हैं साथ नीचे खाने जे लाइ, मां हिकिड़ी प्लेट खणा थो ताकि ऑयल वग़ैरह किरे ना, एक प्लेट नीचे रखते हैं इस तरह उठा के, दो हिस्सों में करके हमने यहाँ पे तीन हिस्सों में कोरमा डालना है, उसके बाद ये दालें जो मिक्स की हुई हैं ये भी करीब कर लें, ये भी साथ साथ डालते हैं, इसको ब्लेंड करके एक पतीला मैंने साथ रखा हुआ अलग से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ब्लेंड होती जाएंगी और उसमें हम डालते जाएंगे। अच्छा, दालें बिल्कुल गाढ़ी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा जैसे ना हलवे की तरह जमी हुई नहीं होनी चाहिए, इसी तरह लिक्विड फॉर्म में होंगी तो आपकी परफेक्ट हलीम बनेगी। बहुत ज़्यादा भरें भी ना इसको चॉपर को, तरीके से तीन हिस्सों में करके हम इसको चलाते हैं, ठीक है। ये हो गया एक पोर्शन, जूसर जग में भी करेंगी तो यही तरीक़ेकार होगा। अब इसको बंद करके स्पून से चेक करें, देखें बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का ये मिक्सचर बन गया है, ठीक है। दाना भी ख़त्म हो रहा है इसका, और ये एक दफ़ा और चलाएंगे, एक दफ़ा वरी हलाइंदा से, ताकि बोटियाँ इसलिए साथ साथ चला रहा हूँ ताकि इसका जो रेशा है वो अच्छा सा बनता जाए इसके अंदर, ठीक है। बहुत एहतियात से गर्म है, आराम से ये पूरा इसमें डाल देंगे,
देखें अभी ना ज़्यादा गाढ़ा है ना ज़्यादा पतला है, इसी क्वांटिटी में होना चाहिए, ठीक है। अब दोबारा यहाँ से हमने दालें उठाए, तीन पोर्शन में बना रहा हूँ क्योंकि आराम से बनेंगे, बहुत ज़्यादा भरेंगे तो वो फिर आपका हाथ भी जल सकता है और ये बाहर भी आ सकता है। दालें डाल दी तीन हिस्सों में करके, अब इसके बाद कोरमे के भी हमने तीन हिस्सों में डालना है, ठीक है। अब आधा उठाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे भाई, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? ठीक हूँ, बता क्या बना रहे हैं अभी? लाइट आई है। हलीम बना रहा हूँ, चिकन हलीम। ये जरा रिपीट कराना। ठीक है, मैं रिपीट करा दूंगा, आप टीवी की तरफ जाएं। जी आप टीवी की तरफ जाएं, मैं भी रिपीट कराता हूँ दोबारा पूरी रेसिपी, ठीक है। हेलो जी, जी मैं बोल रही हूँ। ठीक है ठीक, अब ये दोबारा दूसरा पोर्शन। अच्छी तरह चलाना है ताकि गोश्त का रेशा बनेगा, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ ना कि एनएक्स के ये लें, आपके पास इस तरह की मशीनें होनी चाहिए, तो इससे क्या होता है जल्दी काम हो जाता है, जल्दी कुकिंग हो जाती है, फ़ौरन आपकी रेसिपी तैयार होना शुरू हो जाती है, ठीक है। क्योंकि हम अगर घोटने से बनाएंगे वो भी बहुत मज़ेदार बनता है, टाइम लेता है, ठीक है। तो क्विक जल्दी बनाने के लिए आपके पास मशीन है, तो आप फ़ौरन देखें, मैंने फ़ौरन कोरमा भी बनाया और उसके बाद इसको हमने पीसना भी शुरू कर दिया। तीन हिस्सों में करके मैंने इसमें, अच्छा कोरमे में जो साबित गर्म मसाले थे ना वो सारे आपने निकाल देने, दालचीनी, तेज़पत्ता, और तेज़पत्ता भी एक आ रहा है तो ये भी हटा देते हैं। तेज़पत्ता आपने निकाल देना है, दालचीनी निकाल देनी है, ठीक है, ज़ीरा निकाल देना है इसमें अंदर जो हमने, और बड़ी इलायची डाली थी, बस ज़्यादा गर्म मसाले कोई डालने की ज़रूरत नहीं, ज़ीरा तो इसके अंदर मिक्स हो गया, ज़ीरा नहीं निकलेगा, बाकी चीज़ें इसमें से साबित वाली निकल जाएंगी तीनों। ये पूरा कोरमा आपने ऑयल के साथ जितना है ना सारा इसमें डालना है। अब जो बाकी दालें हमारी बची हुई हैं वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ये कोई हलीम बना रहा हूँ, अगर आप घोटने के साथ बनाएंगी तो उसमें आपको टाइम लगेगा, तो वो आप आराम से बना सकती हैं, ठीक है। अब ये जो हमारा मिक्सचर बचा हुआ है ये भी पूरा इसके अंदर ऐड कर देते हैं दालों का, और पूरी फिर इसके बाद ये जब मैं चूल्हे पे चढ़ा दूंगा इन चीज़ों को तो ये पूरी रेसिपी एक दफ़ा रिपीट करा दूंगा आपको, ठीक है। जल्दी बनने वाली हलीम है, दालें सारी डालें, कुछ भी इसमें छोड़े ना, पतीले में सारी डाल दी। इसको ओवन चलाते हैं, ठीक है। बिल्कुल आसान जल्दी ठहण वाली हलीम जो तरीक़ो मत सिखारी छो इन तरीके से ठाईद अना इनके पचाइण वहीं तैयार को ना ही पचंदी, तकरीबन अध कलाक 25 मिनट अना ही पचंदी। ये पूरा हमने निकाल देना है, ठीक है, ब्लेड आपके हाथ में ना लगे, और जो इसमें गोश्त का रेशा रह जाता है ना नीचे तो ये आपने स्पून से निकाल देना है, ठीक है। इसमें जो गोश्त का रेशा आ रहा है ये सारा आपने इसमें उतार लेना। अब ये मशीन नहीं है आपके पास चॉपर, तो आपने जूसर ब्लेंडर, जो जूसर जग होता है ना जिसमें हम शेक वगैरह बनाते हैं, उसमें भी आप मिक्स कर करके बना सकती हैं, ठीक है। मशीन को साफ़ करें अच्छी तरह और फिर पूरा साफ़ करके रखें, ज़रा भी इसमें कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए क्योंकि बैक्टीरिया बनते हैं। मशीन को हमेशा अच्छी तरह साफ़ करके रखा करें। अब ये सारा हम हटा देते हैं यहाँ से, चॉपिंग बोर्ड वगैरह, क्योंकि इसका काम हो गया है ख़त्म। और ये जो हलीम हमने मिक्सचर बनाया ना हलीम का, अब ये चढ़ा देंगे चूल्हे पर, इसको हमने पकाना है और स्पून चलाते रहना है। बड़ी ज़बरदस्त बनेगी ये, 20-25 मिनट लेगी। जब इसके ऊपर ऑयल की तरी आ जाएगी ना आपकी हलीम तैयार हो जाएगी। इसका जो निशानी होती है ना हलीम की वही होती है कि ऊपर एक लेयर आ रही होती है, जो इसके अंदर ऑयल गया है ना वो इसकी सारी लेयर ऊपर आना शुरू हो जाएगी, आपकी हलीम तैयार होगी। छोड़ना नहीं है क्योंकि इसमें निशास्ता है, गंदम में निशास्ता होता है ना, बनता ही निशास्ता गंदम से है, स्टार्च होता है, तो वो अगर आपने छोड़ा तो हलीम आपकी लगना शुरू हो जाएगी। ये काम नहीं करना आपने, अब ये घोटना है तो इससे भी कर सकती हैं, ठीक है।
ये आप इस तरह चलाते रहें इसको। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सैफुल भाई, मैं चकवा से तमीना बात कर रही हूँ। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? जी जी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा माशाल्लाह जा रहा है, हम साला टीवी देखते हैं, सारे शेफ अपनी जगह बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन आपकी बात ही कुछ और है। बहुत जो बर्दरी हर चीज, जो बर्दरी हर चीज आप बताते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पर नजर से आपको बचाए। जजाकअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ फरमाइश करनी है आपने, कुछ पूछना है? जी बात माशाल्लाह आप हर मैच पूरी कर देते हैं तो देखते रहते हैं, आपकी रेसिपी को हम लोग फॉलो करते हैं। बहुत वो भी शेफ है लेकिन वो मिस अंडरस्टैंड कर देते हैं कि फलाना ब्रांड डाले फलाना कुछ, तो इंसान बैठे भाई अफोर्ड कर सकते हैं तो बिल्कुल है। बिल्कुल आप घर के मसालों से माशाल्लाह मेरी रेसिपी बहुत अच्छी जा रही है। वही टेस्ट आता है घर के मसालों से, अगर आप दिमाग इस्तेमाल करके ना सारी चीज़ें इस्तेमाल करें तो हमें बाहर से कोई चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हर चीज़ हमारे घर में मौजूद होते हैं, वो सिंपल से मसाले जिससे हम खुद टेस्ट बनाते हैं। जी आप बर्बरी हर चीज़ बताते हैं, अल्लाह ताला आपको जजाक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ठीक है, इसको अब अच्छी तरह आपने इस तरह, ये है ना आपके पास घर में तो बहुत बेहतर, ये मिल जाता है 100-150 का मिलता है। आप बोलेंगे प्राइजेस बता रहा है इसलिए कि ये मटके वाले जो होते हैं जिनके पास स्पून होते हैं ये हर जगह ये मिल जाती है, लेके रखे। दाल भी जब आप बनाती है ना दाल को इससे घोटा करें, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, इससे क्या होता है दाल बहुत ज़बरदस्त बनती है। ठीक है, वरना वो दाना दाना अलग नज़र आता है ना वो नहीं होता, इस तरह दाल को भी घोटें, ये हलीम में भी आपको काम आता है। अगर ये नहीं है तो फिर आप क्या करें, जो लकड़ी वाला इमाम दस्ता होता है ना मसाला कूटने वाली जो होता है इमाम दस्ता, उसका लकड़ी वाला डंडा, वो भी लेकिन कलर वाला ना, एक कलर वाले भी आते हैं प्लेन वाला, उससे भी आप घोटा लगा सकते हैं। ठीक है, बाकी जूसर मशीन, अगर ये जो चॉपर है ना ये नहीं आपके पास जिस पर मैंने किया है तो ये जूसर मशीन है ना इसमें आप पीस लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसमें भी बड़ा ज़बरदस्त रेशा बनेगा। पूरी हलीम की रेसिपी मैं रिपीट करा रहा हूँ और इसको हम 20 मिनट तक इस तरह पकाते रहेंगे, उसके बाद इसके ऊपर एक भगार बनेगा प्याज का। अच्छा, नमक जो मैंने आपको कहा था ना 2 चाय के चम्मच मैंने डाले, तो अब मैं नमक यहाँ पे चेक करूँगा, बिल्कुल परफेक्ट है, 2 चाय के चम्मच नमक बिल्कुल परफेक्ट है इस क्वांटिटी में, ज़्यादा नमक हो गया कम नहीं कर सकेंगे, नमक कम डालें लेकिन बाद में आप बढ़ा सकें। अब इसको हमने इतना पकाना है, इसको घोटा लगाते रहना है ताकि इसमें और अच्छा रेशा बने। रेसिपी रिपीट करा रहा हूँ, पूरी गौर से नोट करते जाएगा। हिन खे मां चंगी तरह हे मदानी घोटणो हे घरन में हूँ असो सभी वट हों तकरीबन नाए तो अड़ो वी रखो, दालों के भी जैसे ठाईंदा ना घोटंदा कि जितनी दाल घोटो एतो सुठो टेस्ट हों दाल में, तो ही हलीम के लिए भी तुम्हें कम इंदो ये घर में वी रखो। यो अगर ना तो पोखरी मोरी जो डंडो हों ना वो बगैर रंग वारे, एक कलर वारा भी अचन था बगैर रंग के, उन से भी तुम करो था। रेसिपी रिपीट करा रहा हूँ इसकी, और इसको हम जब तक मैं पकाता रहूँगा, इसमें जहाँ तेज़ पत्ते के पीसेस नज़र आ रहे हैं तो वो मैं निकालता जाऊँगा, क्योंकि तेज़ पत्ता हमने टेस्ट देना था गोश्त में, वो आ चुका है इसका गोश्त में टेस्ट, तो तेज़ पत्ता निकाल दिया मैंने। सबसे पहले हमने क्या लिया, 3 पाव बीफ, मटन या चिकन, मैंने चिकन में बनाई है। ठीक है, तो हमने ऑयल गरम करना है पहले, 1 से 1.25 कप या 1.5 कप तक भी ऑयल लेंगे, उसमें ऑयल गरम करके 3 मीडियम साइज़ के प्याज छीलेंगे 20 से 2 करके, फिर लंबाई में काटना है, यूँ आड़े नहीं काटने हैं, लंबाई में आप समझ गए होंगे, बारीक 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 काट के उन प्याज़ों को आपने ब्राउन करना है हलीम के ऊपर डालने के लिए, वो आपने ब्राउन करके निकाल दिए, फिर उसी ऑयल में आपने क्या करना है दोबारा प्याज डालना है। ठीक है, वो ब्राउन प्याज तो हमने ऊपर से यूज़ करने के लिए डाले थे, फिर उसी में आपने एक बड़ा प्याज या 2 मीडियम साइज़ के प्याज गोल्डन फ्राई करने हैं, साथ ही आपने इसमें डाल देने 2 तेज़पत्ते, 1 बड़ी दालचीनी की स्टिक, 2 बड़ी इलायची और 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। ठीक है, बस ये 4 चीज़ें डाल के भगार में, जैसे भगार आया प्याज ब्राउन हुआ, फिर आपने 1 खाने का चम्मच अदरक, 1 खाने का चम्मच लहसुन और 2 अदद हरी मिर्चें मिला के पीस के आपने डाल देनी, भगार सा बन गया। उसके बाद आपने गोश्त है बीफ का या मटन का, मैंने चिकन ऐड किया था, ठीक है, बोटियाँ आपने डाल देनी 3 पाव जितनी, आधा किलो। उसके बाद आपने इसको थोड़ा सा भूनना है, फिर आपने इसमें मसाले डालने, पिसी हुई लाल मिर्च 1.5 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च भर के 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर भर के 1 चाय का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च 1.5 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च भर के 1 चाय का चम्मच और हल्दी पाउडर भर के 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर भर के डालेंगे 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर खाने के जो चावल खाते हैं ना वो वाले भर के, चावल खाने वाले टेबल स्पून 2 डाल दें भर के,
उसके बाद आपने नमक डालना है 2 चाय का चम्मच, बिल्कुल बैलेंस रहेगा, 2 चाय का चम्मच भर के नमक डालेंगी। कश्मीरी लाल मिर्च से कलर बहुत अच्छा आता है, कोरमे का देगी लाल मिर्च या कश्मीरी लाल मिर्च या पेपरिका पाउडर है, तीनों में से जो भी चीज़ है तो वो डालें। अगर ये चीज़ नहीं है ना कश्मीरी लाल मिर्च, तो उसके बगैर भी बन जाती है। फिर आपने मसाले को भूनना है गोश्त के साथ, उसके बाद आपने इसमें आधा पाव दही डालना, आधा पाव दही डाल के इतना भूने ऑयल ऊपर आ जाए, फिर आधा कप पानी डालेंगी चिकन में, 10-12 मिनट पकाएंगी, और अगर बीफ या मटन है तो फिर आपने इसमें 2 गिलास पानी डालना है। 2 गिलास पानी डाल के गोश्त गलाने तक आपने अगर नॉर्मल बना रही हैं तो आपको अंदाज़ा खुद होगा गोश्त कितनी देर में गल जाता है, 40-45 मिनट। कुकर में प्रेशर देनी 12 से 15 मिनट अगर गोश्त अच्छा है, अगर सख्त है गोश्त थोड़ा आपको लग रहा है बड़ेगा तो फिर आपने इसको 28 मिनट तक प्रेशर देंगी, ठीक है, 2-2.5 गिलास पानी के साथ। गोश्त गल जाएगा, ठंडा हो जाए तो उसका फिर आपने प्रोसेस आगे बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, ठीक है, उसके बाद का प्रोसेस क्या है कि चॉपर है या जूसर ब्लेंडर है उसमें बोटियाँ छोटी होनी चाहिए कि इसके प्लेट में फंसे ना, ठीक है। दालें बनाने का क्या है, क्या 1 कप गंदम लेनी है, 1/2 कप जौ लेनी है, 1 कप गंदम, 1/2 कप जौ, ठीक है, और 1/2 कप चने की दाल, 1 कप गंदम, 1/2 कप जौ, 1/2 कप चने की दाल। उसके बाद आपने 4 खाने के चम्मच मूँग की पीली वाली दाल धुली हुई, 4 खाने के चम्मच मसूर की दाल धुली हुई, 4 खाने के चम्मच माश की दाल, ठीक है, और 4 खाने के चम्मच चावल, ये सब मिक्स करके आपने पूरी रात भिगो देनी है। अगर रात में बॉईल करनी है बनानी तो रात को भिगो के रख दे, सुबह तक बहुत अच्छे हो जाएंगे, फूल जाएंगे। फिर उसको आपने 6 गिलास पानी के साथ बॉयल करना है। जब पानी 2 गिलास रह जाएगा या 2.5 गिलास और गाढ़ापन आ जाएगा, दाल चेक करेंगी, दालें और सारी चीज़ें गल गई हैं, ठीक है, तो उसके बाद चूल्हा बंद कर देंगे, निशास्ता सा बन जाएगा उसका। नहीं तो मिक्स दालें मिलती हैं हलीम की, बाहर बनी बनाई खुली मिल रही होती हैं, आजकल के दिन में तो मिल भी रही होती हैं, वरना दालों की दुकानों पे भी हलीम की दालें मिलती हैं, तो वो आपने 1.5 पाव ले लेनी है, 1/2 किलो भी ले सकती हैं, ठीक है। फिर गोश्त की क्वांटिटी 3 पाव से 1 किलो कर लीजिएगा, बस वो दालें गल जाएंगी। दालों में नमक नहीं डालना है क्योंकि नमक हमने यहाँ पर कर दिया था, बस वो दालें ठंडी हो जाएँ, दोनों चीज़ों को मिक्स करके आपने मशीन में, जूसर ब्लेंडर में भी कर सकती हैं, कोई चॉपर में भी कर सकती हैं, जैसे मिला के थोड़ा थोड़ा करके और फिर एक साफ़ पतीले में डालते जाएं, ठीक है। और अगर इस तरह नहीं, मशीनों का मसला है, तो फिर आपने बोटियां ठंडी करके निकाल के हाथ से रेशा बनाना, बारीक बारीक तारे बना देनी है। कोरमा जो दालें वो आपस में मिक्स करके फिर आपने घोटना, इस तरह घोटने से 1 घंटा लगेगा, बड़ी ज़बरदस्त सी हलीम आपकी तैयार हो जाएगी। फिर वो रेशा भी मिला के उसको घोटती रहेंगी साथ साथ, वो बिल्कुल ज़बरदस्त होगा। अब इसके ऊपर जब तक ऑयल नहीं आएगा, हमने इसको पकाते रहना 25-30 मिनट लगेंगे, ज़बरदस्त हमारी हलीम तैयार हो जाएगी। ये क्वांटिटी हमारी 2.5 किलो से 3 किलो तक की हलीम की क्वांटिटी है, इसलिए बता रहा हूँ, अगर 1/2 किलो गोश्त आप लेती हैं या 3 पाव गोश्त लेती हैं और इस तरह 1.5 पाव या 1/2 किलो दालें डालती हैं बनाएंगे, क्योंकि इसमें पानी भी जाएगा, मसालों की क्वांटिटी है, प्याज है, सब चीज़ मिला के, तो ये हलीम अब वज़न में जो है ना हमारी 3 किलो है, हो सकता है थोड़ी इससे ज़्यादा भी है, तो ये अच्छी खासी बन गई है। वो जो देग में बनाते हैं ना 10 किलो की, तो उसमें 10 किलो गोश्त नहीं होता, उसमें गोश्त 7 किलो डालते हैं, 8 किलो डालते हैं, 6 किलो भी डालते हैं, दालों की क्वांटिटी 5 किलो तक हो जाती है, तो इस तरह करके वो बनाते पे उसमें पानी भी डलता है, तो वो बन के तैयार होके 10 किलो की देग बनती है, ठीक है। इस क्योंकि बिरयानी का कॉन्सेप्ट अलग होता है, बिरयानी के चावल 10 किलो होते हैं तो 10 किलो या 15 किलो 12 किलो गोश्त डलता है, वो अलग हिसाब होता है, लेकिन इसका हलीम का अलग हिसाब होता है। तो अगर आपने इससे ज़्यादा बनानी है फिर आपने 1 किलो गोश्त कर लेना है, दालें 3 पाव कर लें, इस तरह मसाले जो मैंने डाले जितने उनकी सबकी क्वांटिटी आपने डबल करनी है, जो चीज़ें मैंने ऐड की सब चीज़ें डबल करनी है, दही मसाले अदरक लहसुन हरी मिर्चें प्याज बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, डरने की कोई बात नहीं, आराम से हलीम। चिकन में बनाएंगी तो बहुत जल्दी बन जाती है, देखिए अब आपके सामने 4 बजे प्रोग्राम स्टार्ट किया था, अभी 4:40 हो रहे हैं, तो हमारी हलीम 5 बजे तक इंशाल्लाह तैयार हो जाएगी। गोश्त आपके सामने गल गया, चिकन का जल्दी जल्दी आप बना सकती हैं। अब इसको अच्छी तरह घोटना है आपने, जब ये घोटना इसका हो जाएगा तैयार, तो इसके बाद हम इसके ऊपर एक भगार बनाएंगे प्याज का, 1 मीडियम साइज़ का प्याज, फाइन स्लाइस में, बड़ा प्याज होना चाहिए, बारीक स्लाइस में कटिंग किया हुआ, ठीक है। तो प्याज में थोड़ी सी अदरक डालेंगे, 1 चाय का चम्मच या 1 खाने का चम्मच भी डाल सकती हैं, उसका इसके ऊपर एक भगार आएगा 1/2 से 1.25 कप ऑयल के साथ, बड़ी ज़बरदस्त आपकी दाल बन जाएगी, सॉरी हलीम बन जाएगी, ठीक है। बाकी इसके जो लवाजमात हैं वो बना के रखे हैं, वो आपको दिखाता हूँ। हिंज मथा छाछा शयूं वेंदी हूँ, एक दाग ठाईंदी जैसे हलीम असाजी बिल्कुल तैयार थी वेंदी, ठीक है, एकड़ो दाग ठंड हिंज मथा। अब इस पर देखे रेशा बन रहा है, इसकी वजह से रेशा बन रहा है, ये देखें ज़बरदस्त रेशे वाली हलीम बन रही है, ठीक है। इस तरह अभी ये थोड़ी और गाढ़ी होगी पक के तो परफेक्ट हलीम बनेगी, देखें इसके अंदर रेशा बन रहा है, परफेक्ट देग वाली हलीम की तरह ही बनेगी,
प्याज जो हमने ब्राउन करके निकाला था, ये हरा धनिया और पुदीना मिला के आधा आधा कप जितना मिला के रख दें दोनों, बारीक कटिंग करके साफ़ करके पानी से धो के। अदरक बारीक कटिंग की हुई है पार्ट्सों में, ये 2-3 खाने के चम्मच रख दें या अलग से रखें, जिसने भी खानी होगी अपने हिसाब से। हरी मिर्चें काट के रख दें, बच्चों को ना डाल के दें हरी मिर्चें। लेमन के क्यूब्स इस तरह लंबाई में या स्क्वायर में काट के आप रख दें जितने आपको चाहिए, ये होगा। इसके साथ हम चाट मसाले का इस्तेमाल करेंगे। चाट मसाला ऊपर से डाला जाता है, बहुत से लोग शौक से डालते हैं। चाट मसाला रख दें, ऑयल जो भगार वाला ऑयल होगा वो थोड़ा सा रख दें ऊपर से डाल के आप खाएं तो बड़ा ज़बरदस्त लगता है। एक मैं यहाँ पे डिश में निकालूंगा और एक मैं आपको प्लेट भी बना के दिखाऊंगा कि प्लेट में हम किस तरह बनाएंगे जो मार्केट से हम लेते हैं। बिल्कुल परफेक्ट और बिल्कुल ज़बरदस्त हमारी हलीम बनी है। कल सुबह 9 बजे रिपीट भी चलेगा। ज़रूरी नहीं कि आप मुहर्रम में ही बनाएं, आप मुहर्रम के बाद भी बना सकती हैं, जब दिल करे हलीम बनाएं आप अपने लिए। 1-1.5 घंटे में तैयार हो जाती है चिकन की हलीम। बीफ कुकर है तो बीफ का जल्दी हो जाता है, क्योंकि नॉर्दर्न एरियाज़ में या अपर एरियाज़ में जैसे वहाँ पे गोश्त देर से गलता है, चश्मों का पानी होता है तो वो गोश्त देर से गलाता है। अंडे भी मैं तो जाता रहता हूँ इन इलाकों में, तो मैंने खुद देखा है कि वहाँ पर वाकई चिकन वगैरह बहुत देर से गलती है। गोश्त चिकन है या अंडे बॉयल कर रहे हैं तो हम यहाँ 10 मिनट में करते हैं और 20-25 मिनट लगते हैं। पूछा था मैंने वहाँ पर नारान में और सवाद साइड पे मैं गया था, तो वहाँ पे वो बहुत टाइम लगा रहे थे। वो यही कह रहे थे चश्मे का पानी बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत टाइम लगाता है गलाने में। देखिए अच्छी तरह मैं इसको घोटा लगा रहा हूँ, ठीक है। पूरी रेसिपी मैंने आपके सामने रिपीट करा दी है, आखिर में इसके ऊपर भगार बनाएंगे। ब्रेक में कितना टाइम है इनके, इन्हीं तरीके से लाइन दो तो इनमें रेशो ठहंदो ज़बरदस्त हलीम ठहंदी, ठीक है। घोटो जितो लगाई दो एतरी सुठी तांजी हलीम ठहंदी। छाकण इनके मिक्स करो, हूँ में चॉपर में तो मिक्स थी वो चंगी तरह, लेकिन हिते भी तांके मिक्स करो। आई अगर तहां चॉपर ना है तो पो तांके हिन्नी मदानी सा इनके हलाइणो आए ताकि दालू चंगी तरह तो पचन और इनमें घरी बनन, ठीक है। मदानी से ही हलीम बहुत अच्छी बनती है, घोटना होता है ये मिल जाता है, ये आप लेके रखें। इस दालों को भी इस तरह बनाया कर, चने की दाल है, मूंग मसूर की दाल है तो बहुत अच्छी घुट जाती है। आप वो जो कहते हैं साबित मलका मसूर की दाल है तो इस तरह बहुत अच्छी बनती है। अब जितना इसको चलाएंगी इतनी बस छोड़ना नहीं है, हलीम में निशास्ता होता है तो वो लग जाता है, ठीक है। ब्रेक का टाइम हुआ है, मैं इसको पकाता रहूँगा अभी थोड़ा और, उसके बाद हम इसके ऊपर भगार बनाएंगे और इसके लवाजमात वगैरह सारे तैयार हुए हैं, फिर इसको सर्व करेंगे। लेते हैं शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक तो का पहली तरह सामू जो हलीम ठही पे जो कलर ऐसो हाँ थोड़ा डार्क कलर में भी बहुत फ़र्क आ जाता है। पकते पकते इसका कलर बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया। अब देखें ऑयल भी इसका शाइनिंग आने लग गई है, इसका ऑयल सेपरेट हो गया, ठीक है। शाइनिंग आने लग गई है, इसका ऑयल सेपरेट हो गया, इसको मैं कवर कर दूँगा, ठीक है। इसको कवर करके हम यहाँ रखेंगे और अब उसी कढ़ाई में जिसमें हमने पहले प्याज ब्राउन किया था ना, उसी में हम डालेंगे 1/2 कप कुकिंग ऑयल। इसको तेज़ करेंगे आँच को और यहाँ पे हमने प्याज ब्राउन करना है, भगार बनाना है, ठीक है। 1 मीडियम साइज़ का प्याज जो आखिर में हमने भगार बनाना है। अच्छा अगर ब्राउन प्याज करके नहीं रखती तो आप भगार वाला प्याज भी इसमें चला जाता है, तो इतना ज़रूरी नहीं कि आपने प्याज को ब्राउन करके भी ऊपर से डालें, ठीक है। अगर नहीं डालना चाहती तो आप सिर्फ भगार वाला भी यूज़ कर सकती हैं। हाणे जो दाग ठाईंदासीं हे बसर इतने गाढ़ो थी, 1 मीडियम साइज़ का प्याज दिया है। हलीम तैयार हो गई, मैंने इसका चूल्हा बंद करके और कवर कर दिया और थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे अदरक 1 चाय के चम्मच जितनी, तो इसके भगार में जाएगी हलीम के, ठीक है। अदरक ले ली, ये जब ब्राउन होगा, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, गोल्डन फ्राई हो जाएगा, तो फिर हमने ये प्याज इसके अंदर ऐड करके और इसको थोड़ा सा ऑयल और डालूँगा, 1/2 कप पूरा ऑयल होना चाहिए, ठीक है, जो इसके ऊपर भगार बनेगा। भगार से ही हलीम में टेस्ट आता है। पूरी रेसिपी मैंने रिपीट कराई है, बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही ईजी हलीम बनाना आपको सिखा दी है और आप लोग इस तरह बनाएंगे और फिर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। ज़रूर मुझे बताया करें बाद में जब भी मौका मिले आपको कॉल करने का, तो हलीम की रेसिपी को कल सुबह 9 बजे रिपीट चलेगा, ठीक है। कल अगर लाइव हुए तो कल हम बनाएंगे छोलों का पुलाव, ठीक है। अगर कल लाइव हुआ आशूरा की वजह से, हो सकता है लाइव ना हो सकता है लाइव हो, अभी कन्फर्म नहीं है। लाइव हुए तो कल हम छोलों का पुलाव बनाएंगे सफ़ेद चनों का, और अगर नहीं हुए लाइव तो अगले हफ्ते फिर हम आएंगे तो उसमें डिफरेंट रेसिपीज़ होंगी, बेकिंग भी करेंगे, बिस्किट्स की भी रेसिपी हैं, केक्स की फरमाइशें आ रही हैं, कुछ मीठे हैं, सब्जियों की वैरायटी है, इस तरह आप लोग की फरमाइशें और कुछ आना भी चाह रही हैं गेस्ट, तो वो भी आएंगी अपनी रेसिपीज़ हमारे साथ शेयर करेंगी, ठीक है।
अगर आप लोग को भी आना है तो आप लोग आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। अपनी रेसिपी शेयर करना चाहती हैं, और अगर आप अपनी, जैसे अफरोज़ आंटी ने अपनी रेसिपी मुझे व्हाट्सअप की थी पूरी वॉइस मैसेज करके, तो मैंने यहाँ पे बनाई थी बैंगन वाली कड़ी, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, काफ़ी लोगों ने बनाई और मुझे मैसेज भी किए, बड़ी ज़बरदस्त बनी थी। तो इस तरह आप अपनी रेसिपी, कोई अच्छी रेसिपी आपकी सीक्रेट घर की रेसिपी, तो वो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि गोश्त की हो या चिकन की हो, सब्ज़ी हो, दाल हो, कोई भी रेसिपी, चटनियाँ भी हों, जो आपको पसंद हो, आप समझती हैं कि बहुत अच्छी फेमस रेसिपी आपकी, तो आप मुझे वॉइस मैसेज कर सकती हैं मेरे व्हाट्सअप पे, वो तो वो रेसिपी मैं आपके नाम से यहाँ पे शेयर कर सकता हूँ, बना सकता हूँ। उस रेसिपी के लिए आपको मेरे व्हाट्सअप पे वॉइस मैसेज करना पड़ेगा, ठीक है, अपनी रेसिपी को, या लिख के भी सेंड कर सकती हैं, लेकिन ऐसे बताइएगा कि मुझे भी समझ आ जाए। 03142675311 मेरा व्हाट्सअप नंबर है, 03142675311 मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप उसमें वॉइस मैसेज करके अपनी रेसिपी दे सकते हैं, ठीक है। अब जैसे प्याज का भगार यहाँ पे बनना शुरू हो गया, ये भगार हमने डाल देना है हलीम के ऊपर, अदरक भी है इसमें, ठीक है। अदरक से बड़ा ज़बर हाजमा भी करती है, बादी भी ख़त्म करती है अदरक, तो इस तरह अदरक भी और प्याज का भगार बनेगा। बसर आई अदरक जो दाग ते ठहंदो, ठीक है, ये ठाही असा हलीम में विझी मिक्स कंदासी, 2 मिनट रखंदासी, उनके बाद उनके कढ़ी वठंदासी। कलर आ गया है प्याज का, चूल्हा मैंने बंद कर दिया, ढक्कन हटा दिया, और ये भगार आपने इसके ऊपर से इस तरह चला देना। अस्सलाम वालेकुम। भाई इस्लाम, आपकी रेसिपी बहुत अच्छी होती है, बहुत बहुत शुक्रिया। शौक से देख रहे हैं आपकी रेसिपी, बहुत बहुत शुक्रिया। कौन हो, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मेघवाल से बात कर रही हूँ। जी जी, कैसी हैं आप? ठीक है। मखंडी हलवा बता दें आप। मखंडी हलवा मैं बना दूंगा, अभी थोड़ा मौसम ऐसा हो जाए, बहुत ही गर्मी है, तो अच्छा। इंशाल्लाह मैं बना दूंगा मखंडी हलवा, आप जरूर बनाना, ठीक है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर मैं नोट कर लेता हूँ। ठीक है, जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, अपना ख्याल रखूँगा सर, अल्लाह हाफ़िज़। ये देखें, ये भगार आ गया ना, अब ये भगार डालने के बाद ज़रूरी नहीं कि आप प्याज ऊपर से डालें, लेकिन ऊपर से लोग शौक से प्याज डाल के खाते हैं, इसमें कुछ शड़शड़ हो रही, मैंने पानी में रख दिया। ये अच्छी तरह आपने ऑयल और ये मिक्स करना है, ठीक है। बड़ी ज़बरदस्त हलीम में भगार ज़रूर होना चाहिए, इसी से टेस्ट आता है, भगार नहीं होगा तो टेस्ट नहीं आएगा। अभी ये ऑयल जो इसके अंदर आ रहा है ना, ये सारा आपने इसमें मिक्स करना है, इस तरह अच्छी तरह, ठीक है, चंगी तरह है जो दाग ठहरा है ना, इनके अंदर मिक्स कर दो लोई सा, ताकि हलीम के अंदर खुशबू अच्छी बने, जायको अच्छी बने, ज़बरदस्त असांजी रेशे वाली हलीम तैयार। ये रेशे वाली हलीम बनी है, ठीक है, ज़बरदस्त हलीम बनी है, इस तरह मेहनत से बनाएंगी और दिलचस्पी से बनाएंगी तो बहुत अच्छी बनेगी। रेशे वाली बिल्कुल देखें, कंसिस्टेंसी इसकी देखें, गाढ़ापन बिल्कुल, ये रखने से ना थोड़ी और गाढ़ी हो जाएगी, आधा घंटा आप इसको कवर करके रखेंगे ना और ये गाढ़ापन आएगा। जितना पकाएंगी हलीम को नीचे लगनी नहीं चाहिए, लगेगी तो स्मेल आएगी, तो ये इन चीज़ों का आपने बहुत सारा ख्याल रखना है, ठीक है। रेसिपी मैंने अच्छी तरह रिपीट करा दी, आपको समझ आ गई होगी, नहीं तो सुबह 9 बजे रिपीट में देखिएगा। मैंने बनाई है चिकन में, आप बीफ में बनाएं, मटन में बनाएं, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, ठीक है। रोटियों की भी हलीम मैंने 1-2 साल पहले बनाना सिखाई थी, दालों की जगह रोटी इस्तेमाल की थी, तो वो भी बहुत ज़बरदस्त बनती है। एक दफ़ा मैं सोच रहा हूँ अब मुहर्रम के बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आएंगे ना, तो 1-2 वीक में आपको बनाना सिखाऊंगा। आपको यकीन नहीं आएगा कि आप दाल की हलीम खा रही हैं, इसी तरह की हलीम बिल्कुल रोटियों से बनती, बनी हुई जो घर में रोटियाँ हमारे पास बच जाती हैं ना, तो उसको आप यूटिलाइज़ कर सकती हैं, उसके आप बहुत सारे सब्ज़ियों के साथ, कीमे के साथ, चिकन सालन बच जाते हैं घर में, हम फ्रीजर में रख देते हैं फ्रिज में, तो उसके साथ भी कर सकते हैं। अभी हमारा हो गया तैयार हलीम, अब इसको हम निकालना शुरू करते हैं, हाँ इनके कटना शुरू करना से, ठीक है। पहले बड़े बॉल में निकालते हैं, अच्छी तरह आपने रेशेदार हलीम है, इसमें कोई दाना नहीं आ रहा, कोई साबित दाल नहीं आ रही, बिल्कुल परफेक्ट बनी है, ठीक है। ये हो गई, एक हम प्लेट में निकालते हैं, देखा एक कसम प्लेट में कटूँ था, प्लेट बनानी है तो प्लेट में बना लें, दाल उसमें निकालनी है तो उसमें निकाल लें, ये हमारी हो गई हलीम। और इसको आप किस तरह आपने करना है सर? अच्छा, ये तो मैं एक प्लेट में बना रहा हूँ, सादी हलीम में नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है। ये चाट मसाला डाला इस तरह करके,
प्लेट बनाने के लिए, ये फुल प्लेट है जैसे ना एक बंदा खाता है शौक से, तो यूँ चाट मसाला डाल दिया, ये साथ रख देते हैं चाट मसाला, इसमें से थोड़ा ब्राउन प्याज यहाँ से ले लेते हैं, ब्राउन प्याज काफ़ी सारा बना के रखा था, थोड़ा हम डाल देंगे ब्राउन प्याज, काड़ो बसर मथा भी छजो जी प्लेट ठाई दींदा प्लेट ठाई सको था पाँच हिसाब से ठाने चाहिए था पाँच हिसाब से भी बेहतरीन हलीम ठही है, ढी सुी खुशबू पे अचे तो तुम जरूर ट्राई करो ठीक है। इसमें भी थोड़ा प्याज डाल देते हैं ब्राउन, इसके बाद इसके ऊपर रखते हैं थोड़े हरे मसाले, हरा धनिया ले लिया थोड़ा सा, वो फिर बाद में आप सिर्फ सिंपल भी रखें इस तरह ही सारे लवाजमात साथ रखें, वो आप अपनी मर्ज़ी से डाल के खा सकते हैं ठीक है। हरा धनिया डाल दिया, इसके बाद थोड़ी सी अदरक उठाई, अदरक के पार्चे डाल दें, प्लेट में भी डाल दें, इस तरह आप अपनी ज़बरदस्त किस्म की हलीम बनाएं। हरी मिर्चें डाल दें, हरी मिर्चें बच्चों को ना डाल के दें, आप ख़ुद अपने लिए खाते हैं तो आप लोग अपने हिसाब से, इसीलिए ये चीज़ें साथ नहीं ऊपर से नहीं डाला करें, मैं तो प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ, आप लोग अलग से रखें सारी चीज़ें ठीक है। सजी शयूँ अलग सा रखो पो तहाँ पाँजी मर्ज़ी सा जी ताकि सुठी लगे तो उनमें खाई सको था अलग सा विझे ठीक है। बाकी ऐसा यहीं रखी था, चलो बाकी चीज़ें मैंने ऐसे ही रख दी हैं, और ये कल सुबह 9 बजे रिपीट में देखिएगा ठीक है, वहाँ पे सारी रेसिपी अपलोड हो जाएगी। ये हमारे सारे मसाले आ गए और ये इसके साथ चाट मसाला आ गया ठीक है। चाट मसाला ज़रूर रखा करें, चाट मसाले से क्या होता है कि टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और जो शौक से खाते हैं चटपटी करके हलीम तो चाट मसाला डाल के खा सकते हैं। कल सुबह 9 बजे रिपीट चलेगा, और अगर कल लाइव हुए तो कल हम बनाएंगे सफ़ेद चनों का पुलाव ठीक है, उसके साथ कोई अच्छा सा शरबत बनाएंगे, और अगर लाइव नहीं हुए तो फिर नेक्स्ट वीक आएंगे ठीक है। क्योंकि बाज़ दफ़ा क्या होता है कि आशूरे पे 9-10 मुहर्रम को जुलूस और रास्ते बंद हो जाते हैं, हो सकता है मैं ना आ सकूं, इसलिए मैं अभी से बता रहा हूं। तो फिर कल रिपीट में देख लीजिएगा क्या चलता है, यह हो सकता है हम लाइव हों ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, 03142675311 मेरा व्हाट्सअप नंबर है, 03142675311 मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ आप वॉइस मैसेज करें, मैसेज करें, कोई अपनी रेसिपी सेंड करनी वॉइस मैसेज में सेंड करते हैं, कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी चीज़ आपको पूछनी है आप वॉइस मैसेज या मैसेज करके पूछ सकती हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखेगा, दुआ में याद रखेगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी, हो सकता है कल भी हो। तो सुभाणे 9 बजे रिपीट हलंदो सिंध टीवी HD कुकिंग शो या कुकिंग विद फैसल यूट्यूब से सर्च कंदो, तमाम रेसिपीज उत्ते अपलोड थी थी उन्होंने वीडियो से, अगर तुम खड़ी सको तो 1000 का मतलब रेसिपीज अपलोड है। मुझे व्हाट्सअप नंबर है 03142675311, 03142675311, सिर्फ वॉइस मैसेज करो या मैसेज करो, कॉल ना करो, कोई रेसिपी के बारे में पूछना हो पुछी सको था, ये रेसिपी सुभाणे रिपीट में ऐसा पो खोड़ सारा ख्याल रखो, दुआ में याद रखो, अल्लाह हाफिज़। तमाम एपिसोड इसो हाने HD क्वालिटी में विजिट कयो असान जो YouTube चैनल सिंध टीवी HD कुकिंग शो।